नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे देश में ट्रेनों को लेकर। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा को सुखद बनाने को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से कई तरह के बदलाव हमने देखने को मिले हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे की तरफ से पूरे देश में ट्रेनों के नेटवर्क को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर एक खाका तैयार किया गया है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि रेलवे चरणबद्ध तरीके से आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव करने वाला है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से जो प्लान तैयार किया गया है उसमें अगर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों की जगह पर अब हाई स्पीड ट्रेनें देखने को मिलेगी। जी न्यूज में छपी एक खबर के अनुसार यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रेलवे कुछ बड़ा अपडेट करने जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बदलाव किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेनों की तरह ट्रेन सेट देश के अलग अलग महानगरों को जोड़ेगा। ट्रेन सेट कही जाने वाली नए जमाने की ट्रेनों में इंजन नहीं होती है, बल्कि वंदे भारत ट्रेन की तरह सब कुछ कोच के अगले हिस्से में होता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि रेलवे की इस तरह की इच्छा है कि आने वाले 25 सालों में देश के सभी रूटों में इस तरह की ट्रेनों को परिचालित करने की बात कही जा रही है। रेल मंत्रालय अब अपने विकास के दावों का जिक्र करता है तो उसमें इस बात का जिक्र करता है कि 2047 तक देश में आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत करने की बात वो कहता रहा है, जिसमें ट्रेनों की रफ्तार 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की बात कही जा रही है। पिछले कई दिनों से रेलवे में इस तरह की खबरें चलती आ रही जिसमें रेलवे स्टेशनों पर पटरियों के कार्य को लेकर रेलवे की तरफ से जानकारी साझा की जाती रही। आपको बता दें कि रेलवे इन दिनों देश में 200 से ज़्यादा ट्रेनों को स्पीड ट्रेनों की श्रेणी में लाने पर विचार कर रहा है। इन्हीं ट्रेनों की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए पटरियों पर कार्य किया जा रहा है। बता दें कि रोलिंग स्टॉक को पूरी तरीके से बदला जा रहा है, साथ ही साथ आम लोगों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, कम समय में उनकी यात्रा जल्दी और आरामदायक हो, इन बातों का रेलवे की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में रेलवे इस तरह की योजना पर काम कर रहा है। बता दें कि पूरे देश में करीब 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है। ऐसे में यह भी उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द 75 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है। अगर हम इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की बात कही जा रही है, लेकिन देश में वर्तमान में जो वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो कि अब 180 किलोमीटर प्रति घंटे करने की बात कही जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रेनों में कई तरह के बदलाव होने वाला है, जिसके कारण इसकी रफ्तार पहले 200, उसके बाद 220, फिर 240 और सबसे आखिरी में 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात कही जा रही है। यही वो कारण है जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश में राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेनें बंद हो जाएंगी। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो एक तरह से कह लें कि राजधानी दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेसों के बंद होने के पीछे एकमात्र कारण होगा वंदे भारत ट्रेन, क्योंकि इसकी रफ्तार जो है अभी 160 है, उसको 180 में बदलने की बात कही जा रही है, फिर 200, 220, 240 और सबसे आखिरी 260 की स्पीड से चलने का दावा किया जा रहा है। तो ये थी ट्रेन से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।